वालेकुम भाइयों, यहाँ ये एक मशीन है, वेंडिंग मशीन है, फ़ैन को वेंड करती है, पंखा वगैरह वेंड होता है इस पर। यह काउंटिंग ये है, ये काउंटिंग ख़राब हो गया इसका काउंटर। ये काउंट करता है इतने टन हो गई हैं तारें, ठीक है। ये चक्कर, ये इसको ये मेयर करता है इसको, ठीक है, कितने ये चक्कर घूम चुका है। और इसमें ये मसला है, ये 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद या ना फौरन ऑन ऑफ होता रहता है, ट्रिप होता रहता है, कभी मोटर रीडिंग सही नहीं करता है। इसमें ये मसला था इसका, ये ट्रांसिस्टर ख़राब था, ठीक है। ये 78L05 78L05 ना, ये एक तरफ से 12 वोल्ट लेता है और दूसरी तरफ से ये 5 वोल्ट निकालता है। ये तो मैंने फॉल्ट ट्रेस कर लिया था। ये थोड़ी देर के बाद ना इसका ये ब्लिंक इन सब बंद हो जाता था, थोड़ी देर के बाद बंद ऑन होता रहता। जब ये हीट अप होता था, ये ना हीट अप हो रहा था, ये यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे ये पावर सप्लाई है इसकी, रिले वगैरह, और इधर लगा हुआ था नीचे ना, इधर इस तरफ इसके ट्रांसफार्म के सामने ना, यहाँ पे ये पॉइंट इसके हैं, ये वाले ये पॉइंट हैं, यहाँ पे ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ 12 वोल्ट का ये, और ये आउटपुट पे 5 वोल्ट निकलते थे, ये ठीक था। लेकिन यहाँ पे मैं जब 5 वोल्ट मैंने डायरेक्ट दिए, ये बिल्कुल ठीक हो गया था, और यहाँ से ना 12 वोल्ट भी मैंने दे दिया, वो आपस में अटैच हुए हैं, और ये इसका आईसी ये ख़राब हो गया है। आप भी काम करते वक्त एहतियात से काम करें, ठीक है। ये तो डिस्प्ले आईसी है, ये तो बहुत कम चांस इसके ख़राब। ये अभी हीट अप हो रहा है, शार्ट हो गया है, और इसका नंबर भी नहीं पता है। अभी ये वॉश तो किया है, देखते हैं, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है H422, ठीक है। यहाँ पे पता नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे 542 है लास्ट पे ना, और ऊपर पता नहीं क्या 20M है, क्या भी है।